ओके चलो गाइस वेलकम बैक गाइस एवरीवन वन तो आइज टूर्नामेंट का फोर्टीन मैच डे फोर का पहला मैच और इज अबाउट टू स्टार्टेड स्टार्टड ग्रुप्स की बात करें तो ये रहेगा हमारा ग्रुप सी एन एफ एंड टीम्स की बात करें तो इसमें रहेंगे हमारे टीम Zeus के members, क्रिप्स LZD, Snow, Singe, DND Invader, ALC, Zojila, Wrath, DX, Satan, Team 4PM, Uchiha, TNT, Phoenix, Frenzy Shooters, INS, फोर पी VGS उचीहा टी एन डी एंड टीम नंबर ट्वेंटी रहेंगे हमारे तालिबान के मेम्बर्स तो चलो भाई यहाँ पे स्क्वाड सिंगे थ्री मैन स्क्वाड देखने को मिलेंगे टीम नंबर सिक्सटीन से टन आई थिंक सोलह मैंबर्स आज ओके टीम नंबर टेन आ चुके हैं भाई देखा हमें थोड़ा सा लेट दिखा रहे थे गाइस इन दोनों टीम्स का आज आ, ये मैच के बाद दोनों मैच अभी तक आ, तीन मैच खेल चुके हैं दोनों टीम्स और ये दो टीम ग्रुप सी एंड ग्रुप एफ ये दो ग्रुप्स आज एक और मैच खेलेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे ये लोग आ, खेलेंगे पांच मैच फिर रहेगा कल का दिन आखिरी दिन रहेगा फिर उसके बाद पता चल जाएगा कौन टॉप थर्टी टू टीम्स रहेंगे तो लेट्स सी गाइस यहाँ पे छः सेकंड में हमारे प्लेन पाथ आ जाएगा लेट्स एट एन थ्री मैन स्क्वाड देखने को मिलेंगे टीम टी एन टी थ्री मैन स्क्वाड देखने को मिलेंगे बाकी सभी स्क्वाड्स आ चुके हैं लेट्स टॉक अवर द प्लेन पाथ ऑलमोस्ट एंट्रिक कह सकते हैं यहाँ पे सेवन की तरफ से मिलिट्री बेस की तरफ जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे लिपोकोआ मिल्टा पावर या प्रिजन इधर जाने वाली टीम्स को थोड़ा दिक्कत पड़ सकता है मिल्टा के लिए थोड़ा गाड़ी की दिक्कत पड़ सकती है या फैदर से पहुंच सकते हैं और प्रिमोस जाने वाले स्कॉट्स को थोड़ा दिक्कत पड़ सकता है एंड जार के बाकी सभी ड्रॉप लोकेशन हर एक स्कॉट के लिए प्रॉपर फैदर करके पहुँच सकते हैं तो सी गाइस यहाँ पे कहाँ के तरफ निकलेगा यहाँ पे स्कॉट्स और अर्ली उतर चुके हैं हमारे टीम इट इज गाइस

ग्लाइड करते हुए जाते हुए टीम फोर पी जाएंगे वाटर सिटी सिंगे विल गो टू टूवर्ड्स रोजॉक एंड एम डी नहीं रहेंगे एंड अपार्ट की तरफ से टेन के मेंबर्स देखने को मिलेंगे डी एक्स टू टूवर्स शेल्टर साथ में यहाँ पे वी के मेंबर्स देखने को मिल रहा है डी एस नमगेल काफ़ी क्लोज है यहाँ पे वी के मेम्बर्स के एंड टीम आई और एल गेमिंग साथ ही साथ यहाँ पे आ, चल रहे हैं शेल्टर की तरफ वे टीम पी एंड टीम यहां पे फार्म के तरफ हमें टीम आई थिंक्रिप्स इट इज साथ में देखने को मिलेंगे वीजीएस के जड चार थोड़ा दूर रहेंगे जोन बन चुका है कंप्लीटली नॉर्दर्न जोन है तो लेट्स सी गाइस यहाँ पे उचिहा यहाँ पे उनके पास प्लस पॉइंट रह सकता है अर्ली उतर चुके हैं यहाँ पे रैथ वर्सेस हमें फ्रेंजी शूटर्स का फाइट देखने को मिल सकता है अर्ली मिनी के शॉट्स यहाँ पे देखने को मिला है जरूर फ्रॉम रैथ के मेंबर्स रैथ के उजी का शॉट दे चुके हैं इनके साथ यहाँ पे फाइट लेने के लिए बैठेंगे हमारे टीम फ्रेंजी शूटर्स के मेंबर्स गाइज बाकी ड्रॉप फाइट्स की बात करें तो यहाँ पे डी एन डी के स्ट्रेंज के काफ़ी करीब उतर चुके हैं हमारे यहाँ पे टीम नंबर ट्वेंटी थ्री जस तो छः जस लद्दाख के सेटन कहाँ है सर सेटन टीम नंबर बताओ सर ऐसे नहीं पता चल रहा है ठीक है गाइस तो टी एन टी यहाँ पर डी एन डी के राह ओपी काफ़ी दूर उतर चुका आई थिंक ऑफलाइन हो चुके थे लेकिन यहां पे कूप लेके निकलेंगे अपने टीम के पास टी, टी मिलिट्री बेस की तरफ जाएंगे जो जिला वर्सिज्यूस एक पहला शायद ड्रॉप फर्ट हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे नोवो एप के तरफ जूसिटीज़ एंड साथ में यहाँ पे टीम दो जिला के अबूजर एम टू फोर नाइन मिल चुका है मलिक की बात करें तो थॉमसन मिल चुका है मुनीर यहाँ पे कंटेनर्स के तरफ बढ़ेंगे यू एम पी के साथ और यहाँ पे सहीम की जगह ओ पी सिक्सटी नाइन खेलेंगे यहाँ पे ए के एम के एंड ए के एम एंड शायद एम सिक्सटीन ए फोर के साथ एच सी ओके क्रिप्स के मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे मिल्टा की तरफ देखने को मिलेंगे मॉक देखने को मिलेंगे 420 ट्वेंटी यहाँ पे रहें। पर रहेंगे उजी एंड थॉमसन के साथ जिन देखने को मिलेंगे एंड माफिया ईवो यहाँ पर टीम क्रिप्स की तरफ से देखने को मिलेंगे मिल्टा की तरफ अच्छा सा यहाँ पर, पर तो लूटना पाड़ेंगे ए एल सी गेमिंग की बात करें तो हंटर रहेंगे ए एल सी गेमिंग की तरफ से रॉक्स कार एल एंड एम ट्वेंटी फोर लेके जाएंगे यहाँ पर नोरफेल की बात करें तो लक्सू के साथ गाड़ियों का इंतज़ाम किया जाएगा रोटेशन के लिए क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ज़रूरी पड़ती है अगर अर्ली स्टेज पे अगर गाड़ी नहीं पिक करोगे तो बाद में काफ़ी दिक्कत पड़ता है तो यहाँ पे एलसी के गेमिंग के मेंबर्स निकालेंगे यहाँ पे गाड़ी शाड़ी ओके वीजीएस के एस बस अपने मेंशन की तरफ बढ़ते हुए रैथ वर्सेस हो चुका है फाइट गाइस यहाँ पे टीम पीजी जी सॉरी यहाँ पे टीम फ्रेंजी शूटर्स का क्रैबी को डाउन कर लिया गया है लेकिन इंस्टेंट रिवाइव के लिए गुड बॉय काफी सामने रहेंगे लेकिन मामबा यहाँ पे पिन करके बैठेंगे देखेंगे अगर रैथ के मेम्बर्स पुश करते हैं तो यहाँ पे एनी टाइम नॉक निकालने की कोशिश कर सकते हैं क्रैबी अभी भी नॉक पड़े हैं गुड बॉय जाएंगे इंस्टेंट रिवाइव के लिए रेत के मेंबर्स लेट्स सी क्या यहाँ पे रिवाइव करने देंगे कि नहीं यहाँ पे पुश आई डोंट थिंक यहाँ पे अभी से यहाँ पे रैथ के मेंबर्स वैसे तो पॉइंट्स टेबल की बात करें तो रैथ के मेंबर्स रिस्क उठा सकते हैं क्योंकि पॉइंट्स टेबल में काफ़ी आगे है यहाँ पे टॉप थर्टी टू के लिए आई थिंक पहले ही स्लाइड में है जो कि पॉइंट्स टेबल हमारे तीन स्लाइड में बटा गया है टीम रोजीला मलिक मलिक को दिखाएंगे तो जितने ने जितनों ने भी ज्वाइन किया गया सबसे पहले तो लाइक ठोक दो तेरह व्यूवर्स है और एक ही लाइक है कमान गाइस सभी सभी एक साथ लाइक ठोक दो तो मुला आ जाएगा तो बढ़ते हैं अभी तक आ, कोई आ, टीम्स की बात करें तो कोई भी कैजुअलिटी किसी भी स्क्वाड में नहीं देखने को मिलेगा नॉक्स यहाँ पे श, बेशक दिखा है क्रैबी को नॉक किया था लेकिन क्रैबी इंस्टेंट रिवाइव हो चुके हैं तो रैथ वर्सेस से बात रहे हैं यहाँ पे रैथ के हक का आएगा एंगल ले बैठे हैं एंड के ऑस यहाँ पिन करके बैठेंगे क्रैबी को और आ, इनके सामने ब्रूटल वेराज ओके ब्रूटल डी पी ट्वेंटी एट एम फोर सिक्सटीन लेके ये भी थोड़ा अपना लूट कंप्लीट करके आना चाहेंगे लेशर बॉय टीम बताओ सर ऐसे मेंबर्स हमें मत बताओ नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में सारी टीम विथ नंबर या तो टीम नंबर बताओ या तो टीम बता दो ओके गुड बॉय ने यहाँ पे दे दिया है रात के हाकाजा को नेड़ का यहाँ पे एक आ, स्वागत कराया है और हकाज़ा को डाउन कर लिया जाएगा नेट के साथ लेकिन लेट्स सी क्या दोनों दो तरफ से अब यहाँ पे बराबर हो चुका है पहले रैथ के मेंबर्स ने नॉक किया था एक और नेट किया जाएगा लेकिन मामबा का ये नेट आई डोंट थिंक परफेक्टली गया है कि ओस यहाँ पर रहेंगे रिवाइव करने के लिए जाएंगे ड्रैगन यहाँ पे स्पॉट कर लेंगे इंस्टेंट रिवाइव के लिए जाएंगे लेकिन रैथ हॉल यहाँ पे वेट करेंगे हॉल आई थिंक इनके पास कुछ अच्छा सा ऐसा एंगल नहीं है गुड बॉय यहाँ पे रैथ हकाज़ा को फिनिश कर लेंगे नेट के साथ केॉस वट इज़ ब्रूटल डूइंग ब्रूटल एंड हॉल आई थिंक हॉल का जो एंगल है आई थिंक हॉल के पास कुछ अच्छा ऐसा एंगल है जहाँ से कवर दे पाएंगे तो क्रॉस को थोड़ा लो कर लिया गया है ब्रूटल के पास आई थिंक ब्रूटल को थोड़ा और आगे जाना चाहिए इनके पास सिर्फ मामा का एंगल रहेंगे वैसे लग रहा है ऐसा कि नेट से यहाँ पर थोड़ा दूर रहने की कोशिश करेंगे एक सामने एक मॉल पड़ा हुआ है फायदे वाई एक मॉल के साथ एक नेट भी पड़ा हुआ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे तो वो पिक करके आगे जाके यहाँ पर नेट मार सकते हैं टूवर्ड्स टीम ट्वेंटी फाइव तो पहला कैजुअल्टी इस गेम का मिल चुका है हमें रका काजा के शक्ल में फोपीएम यस फो पी एम के मेंबर्स यहाँ रहेंगे वाटर सिटी के तरफ फो पी के जियान देखने को मिलेंगे सिंगे देखने को मिलेंगे यहाँ पे रेसर ज़ू तो फिलहाल इनको यहाँ पे कहीं जाने का मन नहीं है रोटेशन इनको लग रहा है यहाँ की तरफ जोन बन सकता है तो फिलहाल यही लूट लपाटेंगे बाक़ी डी एंड डी इन्वेडर के काफ़ी क्लोज़ हैं जस्ट लद्दाख के मेम्बर्स मॉन्स्टर के करीब होंगे यहाँ पर टीम जस लद्दाख के यहाँ पर रोटेशन चल रहा है ग्लेशियर बॉय कोई बोल रहा था यहाँ पर एंड लुक मैकलैरिन उठाएंगे अपना मैकलैरिन निकलेंगे यहाँ पे टीम डी एंड इन वेडर के मॉन्स्टर अपनी टीम एच के पास लेकिन लेफ्ट में अगर देखा जाए तो जिस लद्दाख के मेम्बर्स आई डोट थिंक यहाँ से हिल्स की तरफ बैठना uh, शायद ही नॉट ए गुड ऑप्शन क्योंकि जोन के एच पे है यहाँ पे से बैठना आई डोंट थिंक यहाँ पे इतना हार्ड शिफ्ट मैंने आज तक नहीं देखा है बाकी देखा जाए तो यहाँ पे इस फाइट में यहाँ पे टीम नंबर ट्वेंटी फाइव वर्सेज के ऑस रात के मेंबर्स का फाइट रात के हॉल निकल चुका है ऑफ एंगल निकालने के लिए लेट्स सी क्या एंगल इनके लिए काम आएगा उचिया वर्सेस डी एक्स यहाँ पे फाइट देखने को मिल सकता है डी एक्स के मेंबर्स पहुँच जाएंगे टूअर्स उचिया के मेंबर्स ओके okay, यहाँ पे डी के सिंकू के बग्गी को थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज दिया जाएगा टीम की बात करो तो यहाँ पे टीम फ्रेंडजी ओके यहाँ पे फ्रेंजी शूटर्स के मेंबर्स यहाँ पे पहुँचेंगे बिल्कुल करीब इनके थे यहाँ पे टीम आ, हमारे आ, क्रिप्स के मेंबर्स लेकिन थोड़ा सा डैमेज दिया जाएगा लेकिन कोई कनेक्शन नहीं टीम नंबर सेटन अब सेटन कहाँ है भाई टीम नंबर बता दो सर ऐसे नहीं पता चल रहा है हमें ठीक है सर जी ठीक है सर थर्टीन नंबर टीम नंबर थर्टीन हाँ ये बताओ ना टीम नंबर थर्टीन ओके टीम नंबर थर्टीन जिला के मेंबर्स रहेंगे यहाँ पे अबूजर मलिक निकलेंगे ज्यूज के साथ यहाँ पे फाइट लिए बगैर यस yes, यहाँ पे अर्ली कैजुअलिटी नहीं चाहते यहाँ पे ये टीम के मेंबर्स बाकी फ्रेंजी शूटर्स वर्सेस डीएनडी एन इन्वेडर का एक फाइट देखने को मिल सकता है डी एन डी इन्वेडर यहाँ पे जिस कंपाउंड के तरफ यहाँ पे कुछ करना चाहते उन हैं उनमें है ऑलरेडी फ्रेंजी शूटर्स के मेम्बर्स फ्रेंजी शूटर्स के जल थोड़ा दूर रहेंगे ओके okay, कदीमा फॉल बैक कर चुके हैं मे बी अनदर एंगल निकालने की कोशिश करेंगे मॉन्स्टर अपने यहाँ पे मैकलैर में बैठ चुके हैं

PHX once again यहाँ पे गोको को, को डाउन कर लिया जाएगा इंस्टेंटली रिवाय की जरूरत है आई थिंक यहाँ से निकलना बेटर ऑप्शन रहेगा पी एच एस के लिए क्योंकि पोजिशन पॉइंट बहुत जरूरी है टेबल में इनका फोर्थ गेम है और टेबल में देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिक्सटी एट पोजिशन पे है एल जेड डी के मेंबर्स यहाँ पे फिनिश कर लेंगे हमारे पी एच एस के मेंबर्स को पहला टीम रहेंगे यहाँ पे पी एच एक्स अर्ली एग्जिट हो जाएंगे तो वन मोर जीरो पॉइंट यहाँ पे पी एच एक्स के लिएगा बाकी दूसरे शोर डी एन डी वर्सेज एफ एन जी शूटर्स का अभी भी फायर जारी है डी एन डी एनवेटर्स एक नॉक के वेट कर रहे हैं अगर नॉक निकलता है तो पुश देखने को मिलेगा इन्वेटर के तरफ से इन्वेटर के मॉन्स्टर यहाँ पे कवर बनाएंगे गाड़ी का और पीछे से यहाँ पे राव ओ पी ओके okay, यहाँ पे नेट्स का शायद कुछ यहाँ पे लेन देन का बात चल रहा है इनके बीच में राव ओ पी एंड यहाँ पे मॉन्स्टर के बीच में मॉन्स्टर विद दाउट एम फोर सिक्सटीन ग्लेशियर एंड विद दाट ए के एम ग्लेशियर्स किन देखते हैं क्या है यहाँ पे कुछ किल फीट सजाया जाएगा रैथ के मेंबर्स ओके रैथ की बात करें तो रैथ हॉल निकल चुके थे एक एंगल निकालने के लिए ऑफ एंगल और उसके लिए गए हैं स्पॉट कर लेंगे शूटर्स के गुड बॉय को गुड बॉय को नॉक कर लिया जाएगा क्रैबी को थोड़ा सा डैमेज दिया जाएगा गुड बॉय का बचना थोड़ा मुश्किल है एन आई थिंक यहाँ पे माम बा इनको नॉक कर सकते हैं हॉल कुछ ज्यादा ही भावना भावनाओं में बह गए थे यहाँ पे हॉल अब हॉल का बचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है यहाँ पे तो यहां पे जो डैमेज देना था वो दे चुके हॉल लेकिन नॉक नहीं खाना था वो खा चुके हॉल अब ब्रूटल एंड के ओस यहां पर या तो ओपन में आना पड़ेगा या तो यहाँ से जोन में निकलना पड़ेगा वैसे पी जी एक्स के ड्रैगन यहाँ पे बढ़ेंगे अगर छत पे चढ़े तो ड्रैगन को स्पॉट कर लेंगे एम फोर सिक्सटीन का स्प्रे दिया जाएगा ड्रैगन की तरफ ड्रैगन को डाउन कर लिया जाएगा और इसी के साथ ड्रैगन को इंस्टेंटली फिनिश करने की भी कोशिश करे तो यहाँ पे टीम नंबर ट्वेंटी फाइव आई लेव विद फाइनल टू मेंबर्स यहाँ पे क्रैबी एंड माम्बा यहाँ पे के पिन करके बैठे हैं ब्रूटल जा रहे हैं यहाँ पे हॉल को रिवाइव देने के लिए लेट्स सी क्या ये रिवाइव काम आएगा इनके लिए माम की बात करें तो यहाँ पे माम बाप स्मोक करके स्मोक इनिशिएट करके बैठे हुए जरूर है लेकिन अपने टीममेट को रिवाइव देना भी इनके लिए जरूरी रहेगा रात के ऑस यहाँ पे माम बाप को भी स्पॉट कर सकते हैं माम बाप को स्पॉट कर लेंगे माम बाप को ऑलमोस्ट यहाँ पे टेन एच कर चुके लेकिन क्रैबी भी यहाँ पे फायर में रात के ऑस को वापस अंदर कवर जाने पे मजबूर कर देंगे लेकिन ब्रूटल की बात करें तो पर स्पॉट कर चुके हैं मामबा एंड ड्रैगन दोनों नॉक पड़े शायद इफ एम नॉट रॉन्ग नहीं माम्बा ऑलमोस्ट टेन एचपी और ड्रैगन को रिवाइव यहाँ पे नहीं मिला है कंप्लीट रात क्या बैक टू यहाँ पे थ्री मैन हो चुका है यहां पे माम की तरफ यहाँ पे पुश मारेंगे माम बा यू एम पी लेके यहाँ पे रात है हॉल की तरफ यहाँ पे इसी के साथ ड्रैगन को भी फिनिश कर लिया जाएगा टीम नंबर ट्वेंटी फाइव यहाँ पे फाइनल टू मेंबर्स इनके साथ रहेंगे ब्रूटल स्पॉट कर लेंगे माम को माम को नॉक कर लिया जाएगा क्रैबी आएंगे यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे करीब अब क्रैबी ठीक है नो अदर ऑप्शन यहाँ पे पुश करने के यहाँ से निकल भी सकते बायते हुए के ऑस की बात करें तो यहाँ पे अलग एंगल लेके आ चुके हैं और यहाँ पे के ऑस यहाँ पे रात की बात करें तो यहाँ पे रात के मेंबर्स को यहाँ पे हॉल रूटल को डाउन कर लिया जाएगा हॉल अगर यहाँ पे नॉक होते तो यहाँ पे हॉल को नॉक कर लिया जाएगा क्रैबी के द्वारा तो टीम नंबर ट्वेंटी फाइव यहाँ पे तालिबान एक दो और कल्स निकालेंगे अपनी टीम के लिए हमामबा को यहाँ पे बचाया जाएगा रेत के फाइनल मेंबर के अगर वहीं बैठते तो शायद यहाँ पे बच सकते थे रात के बाकी लेकिन यहाँ से दो और किल्स यहाँ पे निकालते हैं फोर पी जियान को ऑन दर साइड यहाँ पे टीम क्रिप्स के मेंबर्स फिनिश आउट कर लेंगे तो 4pm वर्सेस एम फाइट इनिशिएट हो चुका है हमारे आई थिंक टीम uh, क्रिप्स का और किल फीड्स शायद एक फिनिश एक और स्क्वाड फिनिश हो चुके टीम जो जिला बाय द वे यहाँ पे फिनिश आउट हो चुके हैं गाइस यहाँ पे तो दो टीम्स यहाँ पे एग्जिट ले चुके हैं तो लेट्स सी यहाँ पे क्या यहाँ पे फिनिश आउट कर लेंगे टीम नंबर 25 को मामबा एंड यहाँ पे क्रैबी स्पॉट कर लिया जाएगा स्मोक में यहाँ पे ओके क्रैबी की तरफ दे देंगे यहाँ पे क्रैबी को यहाँ पे नॉक कर लेंगे मामबा इज द फाइनल मेंबर अब यहाँ पे वन वन का सिचुएशन रहेगा क्रैबी को इंस्टेंट फिनिश करने की कोशिश करेंगे ऐसे यहाँ पे कर लेंगे मामबा बचेंगे फाइनल मेंबर ऑलमोस्ट वन एच हो चुके और यहाँ पे मामबा को स्मोक में फिनिश कर लेंगे टीम रात यहाँ पे बेशक फिनिश कर चुके हैं टीम नंबर को लेकिन तीन कैजुअलिटीज खा चुके हैं वी का यहाँ पे फाइट इनिशिएट होते हुए वी जी चार को नॉक कर लिया जाएगा टीम डी के द्वारा इफ एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे लेकिन इंस्टेंट रिवाइव दिया जाएगा यहाँ पे एम ट्वेंटी फोर का एक शॉट देखने को मिला है डी एन इन्वेडर अभी तक सेम लोकेशन पे है अभी तक पुश नहीं कर रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मस्ती चल रहा है फिलहाल इनके लिए हेल्थ किट्स एक दूसरे को भेजा जा रहा है वेट कर रहा है जैसे ही एक नॉक निकलता है पुश करने की कोशिश करेंगे सामने फ्रेंजी शूटर्स ग्लेशियर बॉय यहाँ पे आएंगे टीम जस्ट लद्दाख की तरफ से एंड शायद जिस दिशा में जा रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी फ्रेंजी शूटर्स के मेम्बर्स हैं सिंगल टैप शॉट देखे ग्लेशियर बॉय अगर एक नॉक निकालते हैं तो यहाँ पे डी एन डी डी को भी स्पॉट कर लिया शायद यहाँ पे ग्लेशियर बॉय ने थोड़ा सा फॉल बैक करेंगे लेट्स सी क्या यहाँ पे एक ट्राइंगलर फाइट देखने को मिलेगा यहाँ पे जस्ट लद्दाख डी एनडी इन्वेडर एंड यहाँ पे फ्रेंसी शूटर्स की तरफ या एक थर्ड पार्टी सीन क्रिएट होगा कॉडलेस यहाँ पे नॉक करते हुए ऑन द अदर साइड यहाँ पे इन्वेडर के मॉन्स्टर को लेकिन यहाँ पे इंस्टेंट रिवाइव के लिए बैठे हुए यहाँ पे कदीमा रिवाइव दिया जाएगा ग्लेशियर बॉय ऑन द अदर साइड यहाँ पे एक अलग एंगल निकाल के पुश करने की कोशिश करेंगे गाइस यहाँ पे लेट्स सी राव ओबी को स्पॉट कर लिया जाएगा एम सिक्सटीन के सिंगल टैप शॉट्स लेट्स सी क्या कनेक्ट होंगे यहाँ पे राव ओबी को ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्वेंटी एच पे छोड़ दे छोड़ दिया यहाँ पे ग्लेशियर बॉय ने लेकिन कवर फायर दिया जाएगा लेकिन सही टाइम पे यहाँ पे ग्लेशियर बॉय ने अपने साथ एक कवर रखा था पेड़ का और इंस्टेंट कवर में जाएंगे हीलअप करेंगे स्ट्रेंज एक अलग एंगल निकालने के लिए चले गए हैं फिलहाल के लिए जब तो जोन पे बैठे हैं जोन दोनों इन तीनों स्कॉट्स के पास है कंपाउंड एक सोलो कंपाउंड यहाँ पे जिसमें ऑलरेडी फ्रेंजी शूटर सही टाइम पे आ चुके थे और होल्ड कर लेंगे बाकी बात करें तो कैसे यहाँ पे टीम्स की तो यहाँ पे न, टीम डी एक्स और वी जी एस सेम यहाँ पे ओके इीम तो डी एक्स इट्स टीम एल जेड डी चार किल निकाल चुके हैं जिसमें से दो तो किल्स पेन ने निकाला है के कले रहेंगे यहाँ पे इनके साथ ही जो दो किल निकालेंगे नाउ इट्स एल जेड डी कले सामने देखने को मिलेंगे यहाँ पे वी जी एस के मेम्बर्स यहाँ पे वी जी एस के जॉर्ड को डाउन कर लिया जाएगा कले के द्वारा इंस्टेंट फिनर की फिनिश की कश, कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे एल के मेम्बर्स पेन यहाँ पे आगे की तरफ फ्रंट लाइन पे जाएंगे और इसी के साथ वी जी को फिनिश कर लिया जाएगा गाड़ी से कुजल के ही एल जी टो तो भी यहाँ पे क्लोज इन करेंगे वी के बाकी मेंबर्स की तरफ लेकिन शोर साइड से आगे निकलने की कोशिश करेंगे क्योंकि वी के एस सेवरनी के सिटी में घुस चुके हैं वी के नोपी रहेंगे जेड एचार रहेंगे और यहाँ पे बक्स फाइनल थ्री मेम्बर्स बचते हुए एक अर्ली कैजुलटी खाते हुए उछीहा फॉविन शायरी ओपी थैंक यू सर तो चलो भाई जितने भी देख रहे हो फटाक से लाइक दबा दो सभी एक साथ लाइक दो गाइस सब्सक्राइब कर दो पांच किल्स एल जेड डी इज इन कंप्लीट एग्रेशन टुडे एल जेड डी आज एग्रेसिव मोड में देख रहे है। और यहाँ पे कले गॉडकिंग यहाँ पे रहेंगे वी जी एस के बक्स स्लाइमिन देखने को मिलेगा यहाँ पे कले एंड गॉड किंग के तरफ से टोबी थोड़ा दूर रहेंगे यहाँ पे बक्स को नॉक कर लिया जाएगा एल जेड डी कले के द्वारा एल जेड डी कले इज इन फुल मूड यहाँ पे ग्लेशियर बॉय यहाँ पे टी डी को, को फिनिश कर लेंगे नूबी को यहाँ पे टोबी फिनिश कर लेंगे तो इसी के साथ यहाँ पे वीजीएस के मेंबर्स को भी एग्जिट कराया जाएगा एलजेडी के द्वारा

आयकू रहेंगे ओल्पा मांझा आयकू की तरफ से एक नेट किया जाएगा जरूर एलसी हंटर की तरफ लेकिन वो ये नेट कोई कनेक्शन नहीं बनाएंगे यहाँ पे बाकी सेट के मानसा एंड बाकी मेंबर्स पानी क्रॉस करके यहाँ पे जोन में निकलने की कोशिश करेंगे हंटर स्पॉट कर सकते हैं सेट के आईकू को आईकू को लेट्स सी क्या यहाँ पे कोई प्रॉपर uh, जगह है जहाँ से निकल सकते हैं गाड़ी है लेकिन गाड़ी पे जाने के लिए इनको एल के दो मेंबर्स पिन करके बैठे हैं एक तो हंटर एक तो नॉर्फेल लेट्स सी जोन स्टार्ट हो चुका है तीसरा जोन स्टार्ट हो चुका है तो मतलब थोड़ा ज़्यादा डैमेज मिलेगा यहाँ पे आई थिंक हेलकिट है इनके पास कोल्ड ड्रिंक है पेन किलर है लेसे कैसे निकलता है सेटन के मैम बस बाकी सेटन की बात करें तो यहाँ पे मानसा यहाँ पे एंगल लेके यहाँ पे आ चुका है सॉरी ओल्पा यहाँ पे आ चुका है इनको कवर फाइट दे नहीं यहाँ पे ओल्पा निकलने की प्रयास में है एल गेमिंग इनको भी जोन में निकलना पड़ेगा सेटन के आयकू को थोड़ा सा एक मौलिक शायद टैग पड़ते हुए आयकू फॉल बैक करेंगे हीलअप करना पड़ेगा जल्दी जितना जल्दी हो सके यहां पे आयकू को नहीं तो नॉक हो सकते हैं ओके लगा लेंगे हेल्थ हेल्कट लेकिन यहाँ से निकलना एक बेटर ऑप्शन रहेगा भाई देवे आयकू के लिए आउट ऑफ जोन फाइट लेंगे इनको दिक्कत पड़ने वाला है बहुत जल्द गाइज से ओके यहाँ पे आयको ने डिसाइड कर लिया शायद यहाँ पे फॉलो फॉलोबैक करने का बाकी बात करें तो आई गाइज यहाँ पे जोन में तो इन्वेडर एक अलग एंगल निकाल के बैठे हुए टी एन टी टू मैन स्कॉट ऊँची हाँ यहाँ पे आएंगे जोन की तरफ क्या रहकर अकेले बचेंगे टीम फोर पी एम यहाँ पर

फेजर इज द फाइनल में यूएमी के साथ इंस्टेंट फिनिश के लिए जाएंगे एक फाइनल मेंबर एक किल खाएंगे यहां पर इन्वेडर का लेट्सी दो और यहाँ पे मेंबर बचे बाई देव यहाँ पे इन्वेडर के यहाँ पे मोस्टर राव दोनों फिनिश हो चुके हैं स्ट्रेंज को भी डाउन कर लिया जाएगा यहां पर आई एन एस के फेजर की तरफ से फाइनल मेंबर बचेंगे यहाँ पे इन्वेडर के कदीमा ऊपर की तरफ सिंगे के मेंबर्स आ चुके हैं अब स्कोर्स काफी क्लोज आ चुके अब फाइट्स काफी इंटेंस तो होना स्टार्ट हो चुका है जाएंगे फिर थोड़ा फॉल बैक करेंगे कदीमा रिवाइव के लिए जाएंगे लेकिन सिंगे के मेंबर्स भी यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए आ चुके हैं सिंगी को ये गेम दिखाना पड़ेगा क्योंकि सिंगे टेबल में काफी नीचे है यहाँ पे प्लस पोजिशन पॉइंट बहुत जरूरी है टीम सिंगे के लिए टीम आईएनएस की बात करें तो यहाँ पे अकेले फेजर बचेंगे फेजर को फिनिश कर लिया जाएगा नेड के साथ बाकी बात करें तो यहां पे टीम इन्वेडर टू मैन स्कॉड बचेंगे टीम बात तो यहाँ पे फ्रेंजी शूटर्स की तरफ यहाँ पे शायद एक uh, आए थे एल जड्डी टोबी को नॉक कर लिया जाएगा बाय द वे ऑन द अदर साइड यहाँ पे एल जड्डी वर्सेज सिंगे का यहाँ पे फाइट होते हुए एल जड्डी की बात तो यहाँ पे एल जड्डी के टोबी नॉक पड़े है कले आएंगे इंस्टेंटली रिवाइव देने के लिए गॉड किंग के सामने रहेंगे उचिहा के मेंबर्स उचीहा एल जड्डी सिंगे काफी आस पास है लेकिन सिंगे के पास एक हार्ड एडवांटेज रह सकता है एल जड्डी कले को थोड़ा सा डैमेज पड़ते हुए गॉड किंग पे एक मौली आ जाएगा यहां गॉड गॉडकिंग की तरफ से नीचे की तरफ देखा जाए तो जूस के मेंबर्स रहेंगे एलसी के रॉक्स आउट ऑफ जोन है गॉडकिंग ने स्पॉट कर लिया था रॉक्स को नॉक कर लेंगे बाकी बचेंगे एल के चार मेंबर्स मेंसले टोवी पेन एन एल जिम गॉडकिंग नॉटी और पेपे देखने को मिलेंगे वहाँ मेंबर्स की बात करें तो इन्वेडर के मेंबर पे क्लोज इन करेंगे शायद इन्वेडर के पास अभी भी जोन का एच है सेट एन के यहाँ पे आयकू जोन से नॉक होते हुए मानसा भी जोन से नॉक फिनिश आउट होते हुए तो गाइस जोन से खेलोगे तो यहाँ पे जोन अपना काम करेगा ही तो यहाँ पे सेटन के मेंबर्स काफी लेट कर रहे थे यहाँ पे जोन में आने के तो उसका यहां पे इनाम मिल चुका है अर्ली यहाँ पे फोर्टीन पोजीशन पे फिनिश आउट हो चुके यहाँ पे थोड़ा सा अटैक पड़ेगा टीम सिंगे के मेंबर्स यहां पे हाई का एडवांटेज लेते हुए सिंगे के सस्पोल पे लुकिल नॉक हो चुके रेसर जू को स्पॉट कर लेंगे लुखिल को यहां नॉक कर लिया जाएगा रिवाइव देना जरूरी है लेकिन लुखिल काफी ओपन में है बचाना थोड़ा मुश्किल रहेगा यहाँ पे सिंगे के मेंबर्स के लिए नमचोज एक स्मोक करके यहाँ पे उनको बचाने की कोशिश करेंगे एल के मेंबर्स लेकिन यहाँ पे बढ़ना चाहेंगे सिंगे नमचोज के तरफ आएंगे कल

यहाँ पे इटाची को, यहाँ पे गाड़ी से उतारा जाएगा ख के जिमिन रहेंगे ऊपर की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे टीम जस के मेंबर्स के पास भी एक अच्छा खासा यहाँ पे जोन का पार्ट है लेकिन एज ऑफ द जोन पीछे से ज्यूज के मेंबर्स को जोन में जाना पड़ेगा ज्यूस की बात करें तो यहाँ पे जिमिन ऑगस्ट उचिया के इटाची फिनिश आउट हो जाएंगे सास के नॉक पड़े हैं फुगाकू एल जेड डी एंड सिंगे के बीचों बीच फंस चुके हैं यहां पे एल जेडी के पेन को डाउन कर लिया जाएगा यहाँ पे सिंगे के नमचोस के द्वारा एलजेडी के गॉड गॉडकिंग यहां पे नॉक कर लेंगे सिंगे के नमचोस को बाकी मैं यहाँ गॉड गॉडकिंग इंस्टेंटली फिनिश कर लेंगे उचिया बाय द वे टोबी को पे फिनिश कर लेंगे पेन बचेंगे पेन का बचना थोड़ा मुश्किल रहेगा ससपोल की तरफ पे बढ़ेंगे गॉड गॉड किंग किंग लेट्स सी क्या यहां से निकल पाएंगे ससपोल की तरफ यहाँ पे फ्री फायर करते जाएंगे और यहां पे सिंगे ससपोल को फिनिश आउट कर लेंगे एल जेडी गॉडकिंग के मेंबर्स यहां पे चौदह किल्स के साथ यहां पे पहुंच चुके हैं लेकिन एएलसी की बात करें तो यहां पे एंड यहाँ पे डी एनडी इन्वेटर के साथ फाइट लेंगे यूएम पी के साथ यहाँ पे नॉक कर लिया जाएगा कदीमा को लेकिन स्ट्रेंज बचा लेंगे कदीमा को और यहाँ पे इंस्टेंट रिवाय किया जाएगा और दूसरे छोर देखा जाए तो जस लद्दाख के में जोन यहां पर हटने का नाम नहीं ले रहा है ग्लेशियर बॉय को नॉक कर लेंगे जिम इन उचिया के फुगा को अकेले बचे अपनी टीम की तरफ से जस्ट लद्दाख के यहाँ पे जुगनस एंड तो है अभी भी बचे हैं स्मोक निशेड होकर देने की कोशिश करेंगे फुगा को जिम को फिनिश कर लेंगे मोल

नाइन में ले चुके हैं टीम को चार किल्स बटोर चुके हैं सामने यहाँ पे फोर पी एम के मेंबर्स रहेंगे फोर पी एम का ध्यान शायद रात के मेंबर्स की तरफ जाएंगे और यहाँ पे टीम क्रिप्स क्या, क्रिप्स की बात करें तो इनके बिल्कुल बगल में यहां पर स्नो के मेंबर्स है स्नो के यहाँ पे ओके ट्वेंटी वन हीर शायद इन्वेडर के कदीमा को स्पॉट कर लेंगे एक मॉलिक किया जाएगा यहाँ पे जिस तरफ यहाँ पे कदीमा आ रहे थे कदीमा एक नो नेट यहाँ पे टॉस करेंगे ट्वेंटी वन हीर की तरफ आई थिंक यहाँ पे ओके इन्वेडर वर्सेज स्नो का फाइट होगा स्ट्रेंच को डाउन कर लिया जाएगा और इसी के साथ इंस्टेंट फिनिश कर लिया जाएगा स्नो की तरफ से एंड ब्राओ के बिल्कुल बगल में आ जाएगा यहाँ पे एक ड्रॉप तो ओके uh, जिन okay. की तरफ से एक नेट किया जाएगा ब्राओ की तरफ लेकिन एक और नेट किया जाएगा ब्राओ को ऑलमोस्ट भज के यहां पे ब्राओ इस नेट से वी आर डाउन टू नाउ फाइव टीम्स टीम स्नो टीम क्रिप्स रहेंगे टीम फ्रेंजी शूटर्स रेत के अभी भी आउट ऑफ़ जोन है एक फाइनल हेल्केट लगाएंगे सामने देखने को मिलेगा इनके फोपीएम के मेंबर्स फोरपीएम के सिंगी को डाउन कर लेंगे पैराडॉक्स यहाँ पे लेकिन कवर फायर में फिनिश कर लेंगे सिंगी को इंस्टेंट रिवाइव मिल जाएगा तो यहाँ पे इसी के साथ रेत के क्य जाते जाते फोरपीएम का लोकेशन यहाँ पे देते हुए चले गए यहाँ पे टीम आ, क्रिप्स के ले तो टीम क्रिप्स के 420 ट्वेंटी यहाँ पे रहेंगे जिन रहेंगे मॉक रहेंगे फ्रेंसी शूटर्स माय फ्रेंड्स यहाँ पे इनसे जोन हटने का नाम ही नहीं ले रहा है चिकन हमें लग रहा है यहाँ पर फ्रेंसी शूटर्स के मेंबर्स के नाम है यहाँ पे स्नो के मेंबर्स की बात करें तो स्नो के मेंबर्स ने यहाँ पे स्पॉट कर लिया है फोर को यहाँ पे क्रिप्स के द्वारा और यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे सैर किया जाएगा स्नो ट्वेंटी हीर के तरफ से यहाँ पे ओके मैकलर इन में और नीचे की तरफ से यहाँ पे मॉक जिन फोर ट्वेंटी ए थ्री मैं यहाँ पे जोन में आना पड़ेगा इन तीनों मेंबर्स को फोर पीएम एम यहाँ पे काफ़ी दिक्कत दे सकता है द वे यहाँ पे हमारे टीम क्रिप्स के मेंबर्स को ट्रिप्स के जिन थोड़ा आगे है जरूर फ्रेंजी शूटर्स के जलाल इसी के साथ देखने को मिलेंगे अलग एंगल लेके बैठे हुए पैराडॉक्स को थोड़ा सा पे लोक कर लिया जाएगा फोर ट्वेंटी स्लोली स्लोली क्लोज इन करने की कोशिश करेंगे ओके प्रोन होके मॉन्ग को शायद स्पॉट कर लेंगे यहाँ पे फोर पी एम के सिंगे एन यहाँ पे बढ़ेंगे ट्वेंटी वन ईयर को डाउन कर डाउन कर लिया जाएगा फोर को स्पॉट कर लेंगे फोर पी के सिंगे एक एम के साथ नॉक कर लिया जाएगा

आ, रिस्क लेना चाहेंगे स्नो के ब्रावो या नहीं यहाँ पे, कर सकते थे अपना दे यहाँ पे, ब्रावो। वहां से करना इजी रह सकता था मॉग को नॉक कर लिया जाएगा जिन इज द फाइनल को यहां पे फिनिश कर लिया जाएगा ड्रैको के दोबारा यहाँ पे वन वी थ्री का सिचुएशन रहेगा फ्रेंडी शूटर्स माई फ्रेंड्स यहाँ पे चिकन डिनर निकालते हुए मजा आ गया ये फाइट देखने में

एट पे जस लद्दाख नाइन्थ पे उचिहा टेंथ पे ज्यूस एलेवंथ पे एल सी गेमिंग ट्वेल्थ पे आएंगे सिंगे थर्टीन पे सेटन फोटी पे टी एन टी फिफ्टीथ पे डी एक्स सिक्सटीथ पे आई एन एस सेवनटीन पे वी जी एस एटीनथ पे टीम माम्बा का टीम नाइनटीन पे टीम जोजिला ट्वेंटी एथ पे पी एच एक्स के मेम्बर्स देखने को मिलेंगे तो इसी के साथ गाइस आज का पहला मैच यहीं पे ख़त्म होता है अभी गेम अभी भी बाकी है गाइस इसके बाद हमारा सेकंड मैप आ, सेकंड मैच होगा पाँच बजे जो कि रहेगा सैनॉक का दैट विल बी बिटवीन टीम बी वर्सेस जी गाइस यहाँ पे चलो गाइस तो मिलते हैं थोड़ी देर में गाइस अराउंड पाँच बजे अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो गाइस सब्सक्राइब कर दो चैनल को पॉइंट्स टेबल अगर आप लोगों को देखना है तो इंस्टाग्राम पर अपडेट किया गया है इंस्टाग्राम uh, का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो गाइस एवरीवन हिट द लाइक बटन मिलते हैं थोड़ी देर में टिल देन एवरीवन टेक केयर बाय लव यू